नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि वालों, कौन सा व्यापार करना आपके लिए अच्छा होगा, कौन सा व्यापार करें कि आप छप्पर फाड़ सफलता पाएं, और क्या करें ऐसा कि जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ें। अगर आप जॉब करना चाहते हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, तो कौन सा क्षेत्र का जॉब करना आपको सूट करेगा या फिर कहाँ पर आसानी से आप नौकरी पा जाएंगे। आज हम ज्योतिषीय पूर्णतया शुद्ध 100% ज्योतिषीय बातें ही करेंगे, और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि। अब यहाँ पर मेष राशि वालों, आपके लिए सूर्य जैसा तेजस्वी ग्रह जीवन का जब निर्धारण करता है, तो मेष राशि के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई ग्रह है तो वो सूर्य है। इसलिए जो सूर्य के व्यापार होते हैं आपके लिए उत्तम होते हैं, लेकिन उसके पहले हम कुछ और समझते हैं। मेष राशि वालों, आपके लिए दूसरा भी बहुत कुछ है ऑप्शन, जैसे कि आप प्रशासनिक सेवा में आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी सूर्य की प्रधानता होने से ही व्यक्ति कलेक्टर SDM बनता है, और मुख्य रूप से प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए सूर्य का प्रधानता होना बहुत ज़रूरी है। और कुंडली में अगर चंद्रमा, सूर्य या मंगल कोई एक ग्रह प्रधान हो जाए तो व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में जरूर जाता है और सफल भी होता है। सूर्य प्रबल है, मंगल भी प्रबल है, तब ऐसे में पुलिस अधिकारी IAS जैसे भी बन जाते हैं। वैसे तो IAS बनने के लिए देवगुरु बृहस्पति का साथ होना जरूरी है, लेकिन फिर भी मेष राशि वालों को इन क्षेत्रों में सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर हम दूसरे क्षेत्र की बात करें तो वो है डॉक्टर। हमने कहा कि सूर्य यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और चूँकि यहाँ मेष राशि वालों के लिए डॉक्टर वाले फील्ड में भी बहुत आसानी से सफल हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर बनाने के लिए। और बाकी राशियों को भले ही डॉक्टर बनने में थोड़ी कठिनाई आए, लेकिन मेष राशि वाले आसानी से बन जाते हैं। आपको तो पता ही है, सूर्य का मतलब होता है प्राण, और चंद्रमा का मतलब होता है मन, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन का होता है शरीर, यानी मन और प्राण दोनों मिलकर बनता है शरीर, और डॉक्टर इलाज करता है आपके शरीर का। इसलिए यहाँ पर हमने कहा सूर्य आपको यहाँ बहुत आसानी से डॉक्टर भी बना देते हैं। तो आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके लिए बहुत आसान होगा, या फिर ऐसा कहें किस्मत आपको इन जगह पर ज़रूर ले जाएगा, सफलता दिलाएगा। इंजीनियरिंग, ये जो मेष राशि वाले होते हैं ना, इंजीनियर भी बन जाते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि आपके लिए मंगल भी यहाँ साथ देते हैं, और मंगल का प्रभाव होने के कारण आप इंजीनियर भी बन जाते हैं, और सफलता तो मिलनी तय है, क्योंकि मेष वाले के अंदर वो जो होता है ना क्रिएटिविटी का कीड़ा, बस वही होता है। बहुत सारे गुण इनके अंदर छिपे होते हैं, और जो धीरे धीरे बाहर निकलता है, और ये दुनिया पर राज भी इसी गुण के कारण करते हैं। वैसे तो जीवन में बहुत कुछ ये करना चाहते हैं, और भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए आपको हमने पहले भी बताया है, पर एक बार फिर से जान लें, अगर आप चाहते हैं आप करियर में सफलता प्राप्त करें, आप व्यवसाय में सफलता प्राप्त करें, तो भगवान सूर्य की उपासना जरूर करें। ज़्यादा कुछ नहीं, आप बच्चे हैं, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो ऐसे में आप सिर्फ रोज़ सुबह उठकर भगवान सूर्य को प्रणाम कर लिया करें, और फिर दूसरा काम क्या करेंगे, गायत्री मंत्र का रोज़ रात में सोने के पहले 9 बार जप करें। मन आपका सही दिशा में जाएगा, आपके अंदर ऊर्जा का लेवल भी बढ़ जाएगा, और आपका भटकाव भी नहीं होगा। अब हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए व्यवसाय कौन सा अच्छा होता है, और यहाँ पर सफलता प्राप्त करने के लिए आप क्या करें।
तो सबसे पहली बात तो मेष राशि वालों के लिए हमने कहा सूर्य यहाँ पर आपके लिए व्यवसाय चूंकि डिसाइड करता है, इसलिए जो सूर्य का व्यवसाय है ना उस क्षेत्र में आपको बहुत सफलता मिलती है। चिकित्सा यानी मेडिसिन वगैरह बहुत तरह के चिकित्सा के व्यवसाय होते हैं, आप उनको कर सकते हैं, औषधि के कर सकते हैं। लकड़ी का व्यापार करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है, और कभी-कभी लोहे का कोयले का व्यापार भी आपको जीवन में सफलता दे जाता है, सूट करता है, लेकिन ज्यादातर लकड़ी औषधि चिकित्सा का व्यापार आपके लिए उत्तम होता है अगर आपकी राशि मेष है तो। अब मान लेते हैं आपकी राशि मेष है, आप इन व्यवसाय को करके जीवन में सफलता भी पाना चाहते हैं, और आपका कोई भी आप व्यवसाय करें लेकिन अगर आप सफलता चाहते हैं तो आप सफलता पाने के लिए गले में स्फटिक की माला जरूर पहने, और सफेद स्फटिक की माला पहनना आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। अब आप सोचेंगे स्फटिक की माला मिलेगी कहाँ? ये आपको सोना चांदी के दुकान में मिल जाएगी। आप स्फटिक की माला पहनिए और रोज रात में सोने के पहले ये स्फटिक की माला आप खोल कर रख दीजिएगा और सुबह नहा कर पहन लीजिएगा। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप स्फटिक की माला जब खोल कर ही नॉन वेज खाइए तो ज़्यादा शुभ होगा। तो आज हमने आपको आपके व्यवसाय आपके करियर से संबंधित बहुत सारी बातें बताई, और यहाँ पर एक और चीज़ होती है, मंगल जो होते हैं ना आपके आयु और आपके नौकरी के भी कारक होते हैं, और मेष राशि वालों के लिए आपका स्वामी भी मंगलदेव हैं, तो ऐसे में आपके उम्र आपका स्वास्थ्य आपकी नौकरी वाला पार्ट कैसा रहेगा ये मंगल ही डिसाइड करता है। जीवन की घटना दुर्घटना क्या होगी इसके लिए भी मंगल बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके बाद आपका जीवन में जो वाद विवाद है झगड़े लड़ाइयाँ हैं ये वाले जो हिस्से हैं ना यहाँ पर आपके शत्रुओं पर भी असर मंगल ही डालता है। यानी कैसा वाद विवाद है, झगड़ा लड़ाई तो नहीं है, मुकदमेबाजी तो नहीं है, ये भी मंगल बतलाता है। या फिर आपके शत्रु बहुत ताकतवर तो नहीं है, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए मेष राशि वालों को अपने मंगल को जरूर मजबूत करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए, तभी आप नौकरी में सफलता प्राप्त करेंगे, वाद विवादों से सुरक्षित रहेंगे, और शत्रु भी आपको चाह कर भी परेशान नहीं कर पाएंगे। यानी शत्रु वाला पक्ष और आपका स्वास्थ्य सब कुछ आप बेहतर रख पाइएगा। तो आपको यहाँ पर देखिए, हमने कहा भगवान सूर्य वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको मंगल देव भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको करना क्या है, रोज सुबह याद रखिए रोज सुबह नहा धोकर एक बार हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, अगर आपको पसंद आए, आपको लगे कि हाँ जीवन में सब कुछ बेहतर धीरे धीरे होने लगा है उपाय करने से, वैसे भी यहाँ पर नौकरी प्राप्त में अगर प्राप्त करने में बहुत बाधाएं आ रही हो तब आप भगवान गणेश को 27 दिनों तक लगातार दुर्वा अर्पित कीजिए, आपके बहुत सारे ग्रह शांत होंगे, आपके पक्ष में जॉब जो आपको मिलने की संभावना है वो बढ़ जाएगी। हम आपसे विदा लेते हैं, हर हर महादेव, धन्यवाद।